हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरेशन में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को बताया, लगभग दो दिन से वीडियो ज़्यादा नहीं आ रही थी, काफ़ी सारे आपके कमेंट आ रहे थे, तो फाइनली हम वापस से आ चुके हैं। रेगुलर आपको अपडेट प्रोवाइड होगी जो भी अपडेट आ रही है। तो पीटीटी 2022 आप सभी को पता है, वैसे मैंने वीडियो बना दी थी और आपको बता दिया था, ये इन्फॉर्मेशन है, आपका पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है 2 वर्षीय बीएड का। अब मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट आपको डिटेल बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कब आपके जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, कब आपको जो है 5000 का चालान जमा कराना होगा, रिपोर्टिंग कब करनी है, कॉलेज अलॉट कब होगी, ये सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करूंगा। इसके अलावा कट ऑफ क्या रह सकती है इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। लगातार आपके कॉमेंट आ रहे हैं, जब से 2 वर्षीय बीएड का शेड्यूल जारी हुआ है, सर मेरे 350 नंबर हैं, मेरे 400 नंबर हैं, मेरे 200 नंबर हैं, तो ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको कट ऑफ भी बताने वाला हूँ कि कितने नंबर पर आपको काउंसलिंग करवाना चाहिए, अगर आप किस कैटेगरी से हैं, मेल है फीमेल, कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो पैशन से बनाकर वीडियो का एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पीटीटी 2022 काउंसलिंग प्रक्रिया की अगर हम बात करें, 4 वर्ष की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो चल रही है एक तरफ, दूसरी तरफ आपके 2 वर्षीय काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होने वाली है। मैंने आपसे कहा था कि 15 सितंबर के बाद में आपकी जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो फाइनली शेड्यूल जारी हो चुका है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपने देख लिया होगा। और आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो 17 सितंबर से स्टार्ट होगी। जी हाँ, 17 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक आप जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं काउंसलिंग के लिए, और 5000 रुपये का जो चालान है वो आप जनरेट कर पाएंगे। ठीक है ना, 17 से लेकर 27 सितंबर तक आप जो है 5000 का चालान आपको जमा कराना है और काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है। मैं एक बार लिख देता हूं जिसे आपको याद रहे। तो यहां पर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की बात करें, ये आपकी स्टार्ट होगी 17 सितंबर से और ये चलेगी आपके 27 सितंबर तक। ठीक है ना, ये आपको चालान जनरेट करना होगा और काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना होगा। कॉलेज चूज फिलिंग की अगर हम बात करें, आप जो प्रेफरेंस मिलेंगे इसके अलावा ऑल राजस्थान पर क्लिक करेंगे, वो जो प्रक्रिया है वो भी आपके 17 से ही स्टार्ट हो जाएगी और कब तक चलेगी तो मैं आपको बता देता हूं, 29 सितंबर तक आप जो है काउंसलिंग प्रक्रिया की जो कॉलेज फिलिंग है उस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अब कॉलेज भर दिया आपने, सब कुछ हो गया, ऑल राजस्थान पे क्लिक भी कर दिया, अब फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आपकी कब तक आएगी ये बड़ा प्रश्न है। तो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आपकी आएगी अक्टूबर में, अक्टूबर मंथ में आएगी। कब आएगी? 5 अक्टूबर को आएगी। ठीक है ना, कब आएगी? 5 अक्टूबर को आपकी लिस्ट आएगी। और 5 अक्टूबर 2022 को लिस्ट आने के बाद में अब आपको क्या करना होगा, जिनका भी पहली अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आ जाता है, कॉलेज मिल जाती है, कॉलेज अलॉट हो जाती है, तो आपको फी जमा करानी होगी 22,000 रुपये। बाकी की जो आपकी फी है वो आपको ऑनलाइन ही जनरेट करनी होगी। और इसकी जो डेट है ये 6 अक्टूबर से स्टार्ट होगी फी जमा कराना, और ये आपकी चलने वाली है यहाँ पर 15 अक्टूबर तक आप फी जमा करा सकते हैं। और इसके अलावा जो कॉलेज रिपोर्टिंग, यानी आप ऑफलाइन आपको कॉलेज में जाना होगा, वो आप कब तक जा सकते हैं, तो 7 अक्टूबर से लेकर आप जा सकते हैं यहां पर 17 अक्टूबर तक, यानी 17 अक्टूबर तक आपकी क्या होने वाली है, कॉलेज में रिपोर्टिंग होने वाली है। तो काउंसलिंग कौन कौन से विद्यार्थी करवाएं और इसके अलावा कट ऑफ क्या रह सकती है अलग अलग कैटेगरी की, साइंस स्ट्रीम के अंदर, आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर, यह मैं आपको कंप्लीट बताऊं। उससे पहले मैं आपको बताता हूं शानदार प्लेटफॉर्म के बारे में। काफी बार आपने सुना होगा, मैं जिक्र करता हूं रिलेवल के बारे में। रिलेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप फ्री स्किल टेस्ट देकर शानदार जॉब प्राप्त कर सकते हैं कंपनीज के अंदर। ठीक है ना, आपने काफी बार सुना होगा रिलेवल के बारे में, आपने टेस्ट भी दिया होगा और काफी सारे कैंडिडेट सेलेक्ट भी हुए होंगे। रिलेवल के द्वारा पिछले एक साल में 1100 से प्लस सीटीसी ऑफर दिए गए हैं, 75 करोड़ की जॉब दी गई है काफी सारे कैंडिडेट को। बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर सेलेक्ट हुए हैं, अभी जॉब कर रहे हैं। उनमें से एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, सोनिका आहूजा का, जो वर्तमान में लोमोस कंपनी के अंदर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर काम कर रही है। उन्होंने बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव और इसके अलावा सेल्स में एनरोल किया था, उनको उनके जो पेरेंट्स थे काफी सपोर्ट किया, फैमिली ने काफी सपोर्ट किया, और काफी जॉब ढूंढने के बाद रिलेवल के बारे में उनको पता चला और उन्होंने फ्री टेस्ट दिया। टेस्ट देने के बाद में अभी वर्तमान में बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर काम कर रही है, और वो भी लोमोस कंपनी के अंदर। सिर्फ लोमोस ही नहीं, बहुत सारी कंपनी है, 800+ कंपनी है, यात्रा, मीशो, इसके अलावा बिस्लेरी, ठीक है ना, पेटीएम, बहुत सारी कंपनी जिसमें आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और अलग अलग कैटेगरी के अंदर 11 डोमेन है जिसमें आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं, HR, सेल्स मैनेजमेंट, कंटेंट राइटिंग, इन सभी कैटेगरी के अंदर आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक फ्री स्किल टेस्ट देना है, उसके बाद में आपकी जॉब पक्की हो जाएगी अगर आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और पास होते हैं। इसके अलावा आप जो है कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं, अनअकैडमी का कोर्स लेकर अपनी स्किल को अप कर, अपनी स्किल को बढ़ाकर, सीख कर जो है टेस्ट देकर शानदार जॉब प्राप्त कर सकते हैं इन सभी कंपनीज के अंदर। तो देर किस बात की है, आप भी सोनिका आहूजा की तरह ही शानदार जॉब प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी क्लिक करें, चेकआउट करें और जॉब पक्की करें। तो अब हम बात करते हैं पीटीटी 2022 कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो अब मैं आपको इतना बताऊंगा, देखो
भाई आपको कॉलेज मिले नहीं मिले वो बाद की बात है, काउंसलिंग आपको करा लेनी है, क्योंकि चार वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड इंटरग्रेटेड कोर्स में हमने देख लिया है कट ऑफ काफी कम गई है, इस बार कट ऑफ कम जाने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप किसी मतलब जनरल कैटेगरी से हैं और साइंस से हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं साइंस से हैं या जनरल कैटेगरी हो चाहे ओबीसी हो एमबीसी हो एससी हो एसटी हो, अगर आप मेल हैं साइंस से हैं और किसी भी कैटेगरी से हैं 300 प्लस मार्क्स आपके हैं तो आप लोग जो है काउंसलिंग करवा लेना। 300 या 300 से अधिक मार्क्स आपके हैं आ रहे हैं टेस्ट के अंदर पीटीटी के अंदर तो आप लोग काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले लेना। इसके अलावा अगर फीमेल हैं और आपके 260 या 265 प्लस मार्क्स आपके बन रहे हैं किसी भी कैटेगरी की हैं आप तो आप लोग भी काउंसलिंग करवा लेना। वापस से बता देता हूं, दो वर्षीय साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए अगर आप मेल हैं 300 प्लस मार्क्स हैं किसी भी कैटेगरी के हैं तो काउंसलिंग में भाग ले लेना। इसके अलावा अगर आप फीमेल हैं 265 या 60 के आसपास आपके मार्क्स हैं उससे अधिक मार्क्स हैं तो आप लोग काउंसलिंग में भाग ले लेना। ये तो बात रही आपके साइंस की। आर्ट्स की अगर हम बात करें तो आर्ट्स की कट ऑफ बहुत कम जाती है, तो आर्ट्स में मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप मेल हैं और आपके जो मार्क्स यहां पर बन रहे हैं 260 से प्लस मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप भाग ले सकते हैं, और अगर आप फीमेल हैं और आपके 200 प्लस मार्क्स भी हैं तो आप लोग भाग ले लेना। तो आप इस बार कट ऑफ पहले से बहुत कम जाने वाली है, तो आर्ट्स की तो बहुत ज्यादा सीट होती है क्योंकि उनके महाविद्यालय ज्यादा होते हैं, और फीमेल की तो और भी ज्यादा सीट होती है। सबसे कम सीट होती है साइंस की मेल की, ठीक है ना, तो उनका यहां पर कट ऑफ ज्यादा रह सकता है। लेकिन जितना मैंने बताया कि 300 से प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं, आप चाहे किसी भी कैटेगरी का हो जनरल का एससी का ओबीसी का, आप लोग काउंसलिंग करवा लेना। ये काउंसलिंग के मार्क्स मैंने बताए हैं। कॉलेज आपको कितने नंबर पर अलॉट होती है वो जब अलॉटमेंट लिस्ट आएगी उसके बाद ही पता लगेगा। अलॉटमेंट लिस्ट कितनी आएगी, जब तक आपकी सीट फिल नहीं होगी तब तक अलॉटमेंट लिस्ट आती रहेगी, ठीक है ना। पहली अलॉटमेंट लिस्ट का पूरा शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है। काफी सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जिनके पास में आय प्रमाण पत्र नहीं है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है, मूल निवास नहीं है, डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट कर लेना, जाति प्रमाण पत्र अपना बनवा लेना। काफी सारे चार वर्षीय विद्यार्थी हैं जिनके पास में जाति प्रमाण पत्र नहीं है, अब वो फाइनल डेट पर बनवा रहे हैं तो आपको डेट नहीं मिलेगी। जिस डेट को आपको फाइनल सबमिट कराना है अपलोड करना है उसी डेट पर करना होगा। तो प्रक्रिया में आप लोग जरूर भाग लें, और जो मार्क्स मैंने बताए जो कट ऑफ बताइए यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। बाकी मैंने बहुत सारी कट ऑफ वीडियो पहले बना रखी है, आगे की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे कॉलेज अलॉट होगी, और भी बहुत सारी वीडियो बना रखी है। साथ में आप नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बीएसटीसी की हिंदी क्लास आज से रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी, तो वहां पर भी आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।